हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस चैनल. माय नेम इज अंकिता. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इफ यू शुड अपियर फॉर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और बोथ ग्रुप्स टुगेदर. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होगा. अभी अभी आईसीआर का रिजल्ट आया और अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हो पाया. हो सकता है कि उन्होंने बस एक ही ग्रुप दिया था बट फिर भी क्लियर नहीं हुआ, या हो सकता है कि उन्होंने दोनों भी ग्रुप्स दिए थे बट क्लियर नहीं हो पाए. तो अभी काफी स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या हम दोनों ग्रुप्स वापस साथ में दें, या दोनों ग्रुप्स देने के चक्कर में एक भी ग्रुप नहीं होगा तो क्या सिर्फ एक ग्रुप को टारगेट करें. कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स बोलते हैं कि दोनों ग्रुप्स दोगे तो ही अच्छी फॉर्म मिलेगी, फिर आर्टिकलशिप के लिए मुश्किल हो जाएगा, काफी सारी चीजें हैं. तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, शायद वो सुन के आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी डिसाइड करने में कि आपको बोथ ग्रुप्स देने चाहिए या एक ग्रुप देना चाहिए. चलो फर्स्ट मैं सबसे पहले एक बात कहूंगी कि आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि इस बार रिजल्ट काफी जल्दी आ गया था. हमेशा से इस बार बहुत जल्दी आने के कारण आपके हाथ में अभी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स है फॉर योर इंटर प्रिपरेशन, और 4 महीने बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे, प्रॉपरली प्लान करके करोगे, प्रॉपरली टाइम टेबल लगा के पढ़ोगे. तो क्या मैम आप हमें ये सजेस्ट कर रहे हो कि हमें बोथ ग्रुप्स देने चाहिए? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए एक बेंचमार्क डिसाइड करो. जैसे मान लो कि आपने अभी एक ही ग्रुप दिया था, फर्स्ट ग्रुप दिया था जो आपका क्लियर नहीं हुआ, बट उस फर्स्ट ग्रुप में आपको बहुत अच्छे मार्क्स थे, आप सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर हो गए थे, बस थोड़े से मार्क्स से आपका एग्रीगेट रह गया. थोड़े यानी मान लेते हैं कि 8 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, या ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स से आपका एग्रीगेट रह गया. तो ऐसे केस में मैं बोल सकती हूँ कि आपके लिए सेफ है कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्लान करो, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड विथ वन ग्रुप. थोड़ा सा और हार्डवर्क लगेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत करनी पड़ेगी, बट हाँ फर्स्ट ग्रुप आपका एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट वगैरह तो क्लियर है, इसीलिए आप उतना अच्छा स्कोर कर पाए हो. और थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस, पेपर सॉल्विंग ये सब करोगे तो आप एक ग्रुप तो अच्छे से मैनेज कर सकते हो. साथ साथ में आप शायद 70-30 प्रोपोर्शन के साथ पढ़ाई करो, जैसे 70% आपने उसी ग्रुप को दिया और 30% आपने आपका रोज का टाइम दे दिया सेकेंड ग्रुप को. मैम क्या अगर हमने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है, हमारा स्कोर काफी कम था, तो क्या आप हमें ये एडवाइस करोगे कि हमें एक ही ग्रुप देना चाहिए? ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज आपको खुद को पता है कि आपके मार्क्स कम क्यों आए. अगर रीजन ये था कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बहुत हमने हार्डली कुछ पढ़ाई की और इसलिए फेल हो गए और इसलिए इतने मार्क्स आए, तो हो सकता है कि आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है बट आपने उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया. आपने सुना होगा ये सारे वर्ड्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, आप यूटिलाइज कितना कर रहे हो, तो आप ही इसका आंसर परफेक्टली दे सकते हो. तो पहले आप खुद को पूछिए कि लास्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट निगेटिव आया तो क्या मैंने मेरी पूरी कैपेसिटी से पढ़ाई की थी फिर भी मुझसे नहीं हो पाया, या मैंने मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए नहीं हो पाया. अगर आपको आंसर मिलता है कि आपने हार्डली आपका 30-40% आपकी जो कैपेसिटी है उतना ही आपने एफर्ट्स लिए थे, तो अभी भी आप दोनों ग्रुप्स के लिए प्लान कर सकते हो. बट अगर आपको आंसर मिलता है कि नहीं, मैं 10 घंटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता हूँ, और ठीक है मैंने 10 घंटे तो नहीं पढ़ा बट मैंने 8 घंटे तो सच में अच्छे से पढ़ा था विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फिर आपको एक ही ग्रुप के लिए प्लान करना चाहिए. बिकॉज हर किसी की पढ़ाई को बैठने की कैपेसिटी, उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो अलग अलग होता है, और उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है. किसी का अटेंशन स्पैन कम है, 1-2 घंटे अच्छे से पढ़ सकते हैं, बाद में एक लंबा ब्रेक चाहिए, वापस 1-2 घंटे अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो दोनों भी स्टूडेंट्स उतने ही ब्राइट होते हैं, और आफ्टर बीइंग सीए के बाद दोनों भी स्टूडेंट उतना ही अच्छा उनके करियर में कर सकते हैं. बट बात बस इसी बात की है कि हम क्या इतना प्रेशर एक साथ हैंडल करें दोनों ग्रुप्स का, ए या एक ही ग्रुप दे. तो मैंने आपको एटलीस्ट आज कुछ तो बताया है कि आप एक बेंचमार्क देखो, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या सच में अच्छे से पढ़ाई की थी, क्या दोनों ग्रुप्स में पढ़ाई करने के लिए मुझे दिन के 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, तो क्या मैं एक्चुअल में 12 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा. और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप डिसाइड करते हो कि आप दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो आखिरी में आके उसको नहीं छोड़ना है. मेजोरिटी स्टूडेंट्स यही करते हैं, स्टार्ट दोनों ग्रुप से करते हैं बट आखिरी में उनको पता चलता है कि मैनेज नहीं होगा और फिर एक ही ग्रुप को वो देते हैं, एक ग्रुप को छोड़ देते हैं. तो ये करने से तो आप बस आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना सब कुछ प्रिपेयर करने में 8 सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हो,
और एग्जाम में तो आप चार ही सब्जेक्ट दे रहे हो, इससे अच्छा क्यों ना आप चार ही सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते थे। सो इट इज अप टू यू, बट जैसे मैंने पहले बताया कि इस बार आपके पास 4 मंथ्स है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं बोथ ग्रुप सी दूंगा, तो आप उतने एफर्ट्स के लिए रेडी रहो। अगर 4 मंथ्स में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो बोथ ग्रुप्स भी पॉसिबल है, आसानी से क्लियर हो सकता है। और आपको बेनिफिट्स तो पता है, अगर बोथ ग्रुप्स दोगे तो आपको जो सेट ऑफ है वो मिल सकता है, जैसे एक ग्रुप में मार्क्स ज्यादा है एक ग्रुप में एग्रीगेट कम है तो वो सेट ऑफ आपको मिल सकता है। और हाँ, बिग फोर वगैरह प्रेफर करता है कि यू नो बोथ ग्रुप्स क्लियर हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू अपलोड लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस चैनल नाउ। एंटर स्टूडेंट्स के लिए भी मैं काफी सारे वीडियोज लेके आने वाली हूँ। सो सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।